हेलो दोस्तों वेलकम टू द रिवर्स गैलरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है द वुमेन हु फॉलोज द क्राउड विल यूजली गो नो फर्दर देन द क्राउड बट द वुमेन हु वॉक्स अलोन इज लाइकली टू फाइंड हर सेल्फ इन अ प्लेस नो वन हैज एवर बीन बिफोर अर्थात जो महिला भीड़ का हिस्सा बनकर रहती है वे भीड़ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और जो अकेले चलती हैं वे अपनी नई पहचान और जगह बनाती हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा पर्व है जो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का अभिवादन करता है और उनकी मेहनत दूरदर्शिता और आत्मविश्वास को सलाम करता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है महिला अधिकारों के समर्थन और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भागीदारी और कामयाबी का परिचायक है इस बार का थीम है लेट्स चूज टू चैलेंज आज के इस तेजी से बदलते युग में महिलाओं ने अपनी हिम्मत बुद्धिमता, दृढ़ निश्चय से हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और अपनी कामयाबियों उपलब्धियों से देश का नाम गौरवान्वित किया है आज का वीडियो ऐसी ही कुछ महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपनी मेहनत लगन और कभी हार ना मानने की इच्छा शक्ति से हर दीवार और सांचे को तोड़कर अपने लिए नया मुकाम और कीर्तिमान स्थापित किया ये महिलाएं समाज वह हर महिला के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो जीवन में कुछ बनना चाहती हैं कुछ करना चाहती हैं देश की सबसे बुजुर्ग किसान पप्पामल। 106 साल की आर पप्पामल तमिलनाडु में ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती करने वाली देश की सबसे बुजुर्ग किसान हैं जो खेत और खलिहान में अब भी सक्रिय हैं कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में अविस्मरणीय काम के लिए उन्हें बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्होंने दुकान से हुई बचत से दस एकड़ जमीन खरीदी और जैविक खेती शुरू की और पिछले सात दशकों से वह ऑर्गेनिक खेती में तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं पप्पा मल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हुई हैं तमाम सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों में भी हिस्सा लेकर वह जैविक खेती की तकनीक और फायदों के बारे में बताती हैं पप्पामल कर्मठता और लगन की एक जीवांत मिसाल हैं और उन लोगों के लिए उदाहरण और प्रेरणा का स्रोत है जो पचास या साठ साल की उम्र में रिटायर या छुट्टी लेना चाहते हैं ये दादी आज भी प्रतिदिन अपनी खेतों में काम करती हैं और जैविक खेती की एक महान योद्धा बनी हुई हैं इस कड़ी में एक और नाम है चेतना गाला सिन्हा का चेतना जी महिला सशक्तिकरण और इंटरप्रनरशिप अर्थात उद्यमिता के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं इन्होंने 1997 में न केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए पहला बैंक मन देसी महिला सहकारी बैंक बनाया बल्कि उन्हें विभिन्न व्यवसायों को करने का तरीका सिखाकर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया आज इस मंदेसी बैंक में 90,000 अकाउंट होल्डर्स हैं और ये बैंक 150 करोड़ से भी अधिक का व्यापार में संलग्न है तथा नित्य नई आर्थिक योजनाओं से छोटे महिला व्यापारियों की मदद करता रहता है जनवरी 2018 में चेतना सिन्हा जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म डावोस स्विट्जरलैंड में सह अध्यक्ष रह चुकी हैं चेतना जी को कई सम्मानों से नवाजा गया है जिसमें नारी शक्ति पुरस्कार जो भारत में किसी महिला को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए मिलने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है चेतना जी का मानना है कि हर समस्या का समाधान हो सकता है चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो हमारा दृढ़ निश्चय लगन आत्मविश्वास और विनम्रता हमें हमारी मंजिल तक स्वयं ही ले जाते हैं हीमा दास भारतीय महिला धावक हैं जिसने 18 दिन में पाँच गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया आई ए एफ वर्ल्ड अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप कार्यक्रम में भारत देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय भी हीमा दास को जाता है असम राज्य के नागाव जिले की ढींग में जन्मी हीमा एक दलित व निम्न वर्गीय परिवार से हैं उनके पिता रंजीत दास चावल की खेती करते हैं बचपन से ही खेलकूद के प्रति लगाव के कारण वह कई तरह के खेल -के खेला करती थी अपने विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन के टीचर की सलाह पर हीमा ने रेसिंग शुरू की और रेस से जुड़ी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया रनिंग ट्रैक की सुविधा न होने की वजह से हीमा ने अपनी रेसिंग की प्रैक्टिस मिट्टी के फुटबॉल मैदान में ही की थी प्यार से लोग हीमा को ठींग एक्सप्रेस भी कहते हैं एक समय था जब हीमा के पास जूते ख़रीदने के पैसे नहीं थे वे नंगे पाँव प्रैक्टिस किया करती थी और आज खुद एडिडास कंपनी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और हीमा के सम्मान में उनके नाम छपे जूते मार्केट में लॉन्च किए हैं 26 फरवरी 2021 के दिन हीमा दास को राज्य की एकीकृत खेल नीति के तहत असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्ष डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया मा को 2018 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है भारत की 20 वर्षीय युवा एथलीट ही दास को सरकार ने खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया है यह सम्मान पाने वाली वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं खेल रत्न भारत के में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है सीमा ढाका सीमा ढाका दिल्ली की सामायपुर बद्दी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल हैं यह पहली दिल्ली पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने सिर्फ तीन महीने में 76 गुमशुदा अर्थात लापता बच्चों का पता लगाया और उन्हें ढूंढ निकाला उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें असाधारण कार्य पुरस्कार इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था बबीता राजपूत मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंगरोठा गांव की उन्नीस वर्षीय युवती बबीता ने अप्रैल २०१९ में जल जन जोड़ो अभियान के माध्यम से गांव के लोगों को जोड़कर जल संवर्धन अर्थात वाटर कंजर्वेशन के लिए आंदोलन और जन जागृति अभियान छेड़ा इसके तहत उन्होंने 400 से अधिक महिलाओं को जल सहेली के रूप में संगठित किया और पहाड़ को काटकर 107 मीटर नहर तैयार तैयार की जिससे होकर पहाड़ का बरसाती पानी गांव की वीरान और सूखी पड़ी झील में भरने लगा लगभग 18 महीनों की कड़ी मेहनत और लगन से इन महिलाओं ने इलाके की दिशा और दशा दोनों बदल दी इससे गांव वालों को न सिर्फ पेयजल की प्राप्ति हुई बल्कि आसपास के पांच गांव में खेती करने लायक सिंचाई के लिए पानी भी मिला वहीं पशुओं के लिए भी पेयजल सुलभ हुआ जल संवर्धन की दिशा में बबीता राजपूत के अदम्य साहस और योगदान के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की मान्या सिंह मान्या सिंह पिछले सप्ताह वी एल सी सी फेमिना मिस इंडिया 2020 ट्वेंटी रनरअप बनी वह एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम अपनी मेहनत और लगन से अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं मुंबई में जन्मी और उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव हटा में पली बड़ी मान्या सिंह का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा परीक्षा की फीस भरने के लिए माँ को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह दिन के वक्त पढ़ती और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए पिज़्ज़ा जॉइंट और कॉल सेंटर में काम करती मान्या का कहना है कि उनके घर के हालात ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया जो उनकी कमज़ोरी नहीं ताकत बना एक ऐसा समय भी था जब लोग उन्हें खूबसूरत ना होने और गरीब होने का ताना देते थे पर इन आलोचनाओं की परवाह ना करते हुए मान्या ने अपनी सारी ताकत अपने सपनों को पूरा करने में लगा दी और जहाँ चाह है वहाँ राह है को सत्य साबित कर दिया दोस्तों ऐसे और अनगिनत नाम हैं जो नृत्य प्रति नई मुकाम और ऊंचाइयों को छू रहे हैं इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य हर महिला तक ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँचाना है जिनसे उन्हें हौसला और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा मिले धन्यवाद